नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। 15 दिनों का मैंने एक ब्रेक लिया था YouTube से, जिसकी वजह से पिछले 2 हफ्तों में आपने कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते हुए नहीं देखा होगा। और इस 15 दिनों के हॉलीडेज के बाद मैं वापस आ चुका हूं और एक बार फिर से पहले की तरह हर रोज एक वीडियो इस चैनल पर मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको स्टॉक मार्केट या किसी स्पेसिफिक शेयर के रिलेटेड जानकारी हासिल होती रहे और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसके बारे में जान सकें। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत रसायन लिमिटेड के बारे में। इसका स्टॉक एनालिसिस करेंगे, इसके फ्यूचर को समझने की कोशिश करेंगे और क्या करेंट लेवल पर इस शेयर को बाय करना चाहिए, ये पूरा डिटेल जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, पूरे इंडिया में कोरोना के केसेस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले प्रिकॉशन जरूर अपनाएं, जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हर अपने जानने पहचानने वाले को भी इसके लिए प्रेरित करें। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भारत रसायन लिमिटेड एक एग्रो केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनी है और इसका मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो कि एग्रो केमिकल सेक्टर में यूज होता है। यानी ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है जो एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप किसी शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखने के साथ ही उसके बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो, एटलीस्ट 7-8 सालों का जरूर देखें। भारत रसायन लिमिटेड का अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है मार्च 2009 से लेकर मार्च 2020 तक का। इसका सेल्स इस पीरियड में 103 करोड़ से बढ़ के 1213 करोड़ हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 12 गुना हुआ है पिछले 12 सालों में। ओपीएम का परसेंटेज देखें तो यहां पर भी आपको इम्प्रूवमेंट ये कंपनी करती हुई दिखेगी, क्योंकि मार्च 2009 का रिजल्ट हो या मार्च 2010 का रिजल्ट हो, यहां पर ये कंपनी मात्र 6% ओपीएम का परसेंटेज निकालती है, लेकिन फाइनली मार्च 2020 का जो एनुअल रिपोर्ट आता है वहां पर ये कंपनी 19% का ओपीएम का परसेंटेज निकाल रही है। यानी कंपनी ने अपने ऑपरेशन से भी प्रॉफिट करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया है। ये कंपनी पिछले 12 सालों में अपने ओपीएम का परसेंटेज लगातार इंप्रूव कर रही है। इसके बेसिस पर कहा जा सकता है ये कंपनी राइट डायरेक्शन में अभी जा रही है। नेट प्रॉफिट पर नजर डालें तो इस कंपनी ने पिछले 12 सालों में 5 करोड़ से अपना प्रॉफिट बढ़ा के 158 करोड़ तक पहुंचा दिया है। यहां पर ये कंपनी ऑलमोस्ट 31-32 गुना अपना नेट प्रॉफिट इंक्रीज की है, जबकि इसका सेल्स जैसा कि हमने देखा मात्र 12 गुना बढ़ा है। और उसके रेस्पेक्ट में अगर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो नेट प्रॉफिट काफी तेजी से बढ़ा है और उसकी वजह है इसका ओपीएम का परसेंटेज इंप्रूव होना, और किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा संकेत माना जा सकता है अगर उस कंपनी का नेट प्रॉफिट या ओपीएम का परसेंटेज लगातार इंप्रूव कर रहा हो। अर्निंग पर शेयर भी इस 12 सालों में आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 2009 में मात्र 12 रुपया 17 पैसा हुआ करता था, जो बढ़ के 371 रुपया 3 पैसा तक पहुंच चुका है मार्च 2020 का जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से। स्टार्टिंग में ये कंपनी डिविडेंड ठीक ठाक देती हुई नजर आ रही है, लेकिन लेटेस्ट कुछ सालों में इस कंपनी ने कोई खास डिविडेंड नहीं दिया है और मात्र डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज इसका 1% या लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 0% रह गया है। यहाँ पर कहा जा सकता है अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो रहा है, जबकि डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रही है। भारत रसायन लिमिटेड का ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों का देखा जाए परसेंटेज वाइज, तो यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में इस कंपनी ने पिछले 3 साल में 25% का ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में 23% का, जबकि 10 साल में 28% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पे नजर डाला जाए तो पिछले 3 साल में इसने 43% का ग्रोथ दिखाया है, 5 साल में 38% का और 10 साल में 39% का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को कंपेयर करके देखा जाए तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ इसके सेल्स ग्रोथ से ज्यादा तेजी से और अच्छा तरीका से बढ़ रहा है, और ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है किसी भी कंपनी और उसके शेयर प्रोस्पेक्ट के लिए। स्टॉक प्राइस CAGR में भी इस कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, पिछले 1 साल में 89% का, 3 साल में 31% का, 5 साल में 66% का और 10 साल में 63% का। अगर हम इसको सेंसेक्स या निफ्टी से कंपेयर करके देखें तो इसका स्टॉक प्राइस CAGR काफी जबरदस्त नजर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर जरूर दिमाग में रखना चाहिए कि पिछले 8-10 सालों का केमिकल सेक्टर में ग्रोथ देखें और स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो मैक्सिमम कंपनीज ने ऐसा ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये कंपनी भी केमिकल सेक्टर से ही बिलोंग करती है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा नजर आ रहा है अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात किया जाए तो। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस कंपनी का काफी अच्छा नजर आ रहा है और लगातार इस कंपनी ने अपने रिटर्न ऑन इक्विटी को 30% के ऊपर मेंटेन करके रखा है। जो इसका लोएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है वो 31% का रहा है, जबकि 34% इसका हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है पिछले 10 सालों में।
भारत रसायन लिमिटेड के बैलेंस शीट को पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर भी डेटा दिया हुआ है मार्च 2009 के एनुअल रिपोर्ट से मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट तक। यहाँ पर मेजर एस्पेक्ट को अगर देखा जाए तो रिजर्व्स इसका इस पीरियड में 34 करोड़ से बढ़ के 560 करोड़ पहुंचा है। इस कंपनी पर कुछ कर्ज भी नजर आ रहा है, इसलिए बोरोइंग्स में इसका 13 करोड़ जो मार्च 2009 के एनुअल रिपोर्ट में हुआ करता था बढ़ के मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट में 94 करोड़ पहुंच चुका है। हालांकि बीच के पीरियड का देखें तो मार्च 2019 का जो इसका एनुअल रिपोर्ट आया था वहां पर इस कंपनी के ऊपर कर्ज 247 करोड़ तक पहुंच चुका है, लेकिन वहां से इस कंपनी ने इम्प्रूव करते हुए अपने कर्ज को काफी कम किया है और इसको 94 करोड़ तक पहुंचा दिया है। रेशियो में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जब भी मैं किसी वीडियो में स्टॉक एनालिसिस करता हूं ये डिटेल भी जरूर शेयर करता हूं। पिछले 12 सालों में इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज देखे तो ये 21% से इम्प्रूव करके 34% तक पहुंचा है। बीच के पीरियड में देखें तो मार्च 2011 का एनुअल रिपोर्ट हो या मार्च 2013 का एनुअल रिपोर्ट हो यहाँ पर इस कंपनी ने थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस दिया है क्योंकि यहाँ पर ये मात्र 10% या 14% नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ से कंपनी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के साथ लगातार इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है और मार्च 2018 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से तो एक बार के लिए ये 39% हो जाता है, लेकिन अगले 2 सालों में भी इस कंपनी ने अपने 30% के ऊपर आरओसी का परसेंटेज मेंटेन करती हुई नजर आ रही है और ये 32% से लेकर 34% के बीच में रहा है जो कि एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी और इस शेयर के लिए। भारत रसायन लिमिटेड के प्रोस एंड कॉन्स पर नजर डालें तो प्रोस का लिस्ट यहां पर काफी लंबा नजर आ रहा है। कंपनी ने पिछले कुछ दिनों में अपने कर्ज को कम किया है, ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 38.20% का CAGR दिखाया है अपने प्रॉफिट ग्रोथ में। पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी शानदार है और ये करीब 34% के आसपास है और पिछले 10 सालों में कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी काफी तेजी से हुआ है क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ 24.86% के रेट से बढ़ा है, जबकि इसके कॉन्स में एकमात्र चीज निकल कर आ रही है, इसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 8.46 टाइम्स ज्यादा है और अमूमन ऐसा देखा जाता है अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है उसके शेयर का करंट मार्केट प्राइस उसके बुक वैल्यू से काफी ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों ये तो रहा भारत रसायन लिमिटेड के पिछले 10 सालों का परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हुए इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाय किया जा सकता है। भारत रसायन लिमिटेड शेयर का करंट मार्केट प्राइस 12,839.90 रुपया है, ये 28 अप्रैल 2021 का डेटा है और ये शेयर ऑलमोस्ट 20% का अपर सर्किट हिट करने को था और करीब 19.5% ग्रोथ के साथ मात्र एक दिन में इस शेयर का मार्केट क्लोजिंग प्राइस 12,800 के आसपास निकल कर आया। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग वैल्यू इसका रेड जोन में है क्योंकि इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके स्वाभाविक वैल्यू से ज्यादा है। रिटर्न्स वर्सेस एवरी रेट्स इसका ग्रीन जोन में है क्योंकि जैसा कि हमने देखा इस शेयर ने पिछले 10 सालों में अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए एवरी रेट से काफी अच्छा रिटर्न दिया है अपने शेयर इन्वेस्टर्स को। डिविडेंड रिटर्न्स यहां पर रेड जोन में है क्योंकि ये कंपनी कोई खास डिविडेंड नहीं देती है अपने इन्वेस्टर्स को। करंट टाइम में ये शेयर ओवरबॉट जोन में भी नहीं पहुंचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट भी आपको ग्रीन जोन में देखने को मिलेगा। फिलहाल ये ASM GSM लिस्ट में नहीं है, इस कंपनी पर कोई खास कर्ज नहीं है, इसलिए यहां पर भी कोई रेड फ्लैग देखने को नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्री और मटेरियल की बात किया जाए तो ये कंपनी फर्टिलाइजर्स रिलेटेड एग्रो केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करती है जैसा कि हमने देखा। फिलहाल ये स्मॉल कैप से बिलोंग करने वाली कंपनी है और मार्केट कैप इसका 4,566 रुपया है। ये शेयर मॉडरेट रिस्क में ट्रेड करता है क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी निफ्टी से कंपेयर किया जाए तो 2.15 टाइम्स ज्यादा होता है। की मैट्रिक्स में पीई रेशियो इसका 34.60 है जबकि सेक्टर का पीई 25.50 है। 34.60 अगर पीई रेशियो को कंसीडर किया जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर सेक्टर पीई से कंपेयर करके देखा जाए तो निश्चित ही ये थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। फिलहाल उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे और 34.60 जो इस कंपनी का पीई रेशियो नजर आ रहा है इसको ठीक ठाक माना जा सकता है। फोरकास्ट में किसी भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन यहां पर शेयर नहीं किया है क्या इस शेयर को बाय करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर यहां पर भारत रसायन लिमिटेड के शेयर के करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पर बात किया जाए क्या इस शेयर को बाय किया जा सकता है, मेरे हिसाब से मैं पूरे इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो केमिकल सेक्टर का फ्यूचर काफी अच्छा नजर आ रहा है एटलीस्ट आने वाले 3 से 5 सालों के लिए, इसलिए इस सेक्टर और इंडस्ट्री का तो ग्रोथ होता रहेगा और भारत रसायन लिमिटेड के शेयर प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस इसका चूंकि 13,000 के आसपास चल रहा है इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए ये अफोर्डेबल नहीं है और शायद लोगों के मन में ये डर बैठ सकता है इतने मार्केट प्राइस वाले शेयर को क्या इन्वेस्ट करना चाहिए,
लेकिन हो सकता है जिस हिसाब से इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम में मैनेजमेंट इसको स्प्लिट करे या बोनस शेयर इशू करके इसके करंट मार्केट प्राइस को कम करने की कोशिश करे, और तब शायद इस शेयर में और ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले। क्योंकि अगर किसी कंपनी का शेयर मार्केट प्राइस कम हो जाता है, वो उसको बहुत सारे लोग एफोर्ड कर सकते हैं, वहां पे इन्वेस्टर्स ज्यादा आते हैं या ट्रेडर्स ज्यादा आते हैं, जिसकी वजह से उसके शेयर मार्केट प्राइस में ग्रोथ संभव हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर आप हाई प्राइस वाले शेयर को बाय करने की इच्छा रखते हैं जहां पर ग्रोथ का पोटेंशियल हो, तो इस शेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं बाय करने के लिए, और आने वाले 3 से 5 सालों में ये शेयर अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। जो करंट मार्केट ट्रेंड है और जो आने वाला फ्यूचर है, जैसा कि मैंने बताया केमिकल सेक्टर्स के लिए, उसके बेसिस पर ऐसा कहा जा सकता है। वीडियो के आखिरी पड़ाव में मैं कहना चाहूंगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट नया ओपन करना चाहते हैं या किसी कंपनी से अच्छे कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग बेस्ट ऑप्शन है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप अपना डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये दोनों ब्रोकिंग कंपनी इंडिया में फिलहाल बेस्ट है। एंजल ब्रोकिंग में आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा, जबकि जीरोधा के लिए आपको मामूली सा पेमेंट करना होगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में शेयर करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।